जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी आपको वैकेंसीज मिलेगी, जिसमें आप लोग देखते हैं पूर्व सैनिकों का कॉलम है। जनरल 17 है, SC 7 वैकेंसी, ST है 5 वैकेंसी, OBC 9 वैकेंसी, MBC 2 वैकेंसी और EWS 4 वैकेंसी। तो ये वैकेंसी टोटल सभी पूर्व सैनिकों के कॉलम में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो पूर्व सैनिकों के लिए इतनी वैकेंसी यहाँ पर लगभग की गई है 50 के करीब, और सुपरवाइजर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये वैकेंसीज निकाली गई है राजस्थान कर्मचारी चैनपुर जयपुर की ओर से। 10 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये है कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज 407 है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है और ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से आपको ऑनलाइन का प्रोसेस कंप्लीट करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rsmssp.rajasthan.gov.in यानी कि राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, उसकी वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं। उस प्रोसीजर के हिसाब से जो यहाँ पर बताया गया है, 2-3 वेबसाइट है यहाँ पे, तो उनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आपको इंक्वायरी है, तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन दिए गए हैं उन पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी रखी गई है, 430 टोटल वैकेंसीज हैं। पूर्व सैनिकों को जो राजस्थान के हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जो भी राजस्थान के हैं, चाहे आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स में भी, उनका चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो दोस्तों, तो गुड कम से कम होना चाहिए। 12.5% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। हाँ, क्षेत्रीय वैकेंसी जो क्षेत्रीय आरक्षण होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वेतनमान आपको दिया जाएगा पे मैट्रिक्स 5 के हिसाब से, जो सैलरी बनती है वो यहाँ पर दी जाएगी। इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, भारत में यदि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc आपने किया हो, या फिर BSc से ऑनर्स आपने किया हो, या फिर 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक, या फिर पुरानी योजना के अधीन उच्च कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, यानी कि 10+2 आपने किया हो, 12वीं पास किया, इंटरमीडिएट पास किया हो, साथ में आपको जो देवनागरी लिपि है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, सभी इसके अप्लाई कर सकते हो। एज यहाँ पर 40 साल मैक्सिमम है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। और सबसे जो मेन बात है कि ऑलरेडी से अप्लाई कर सकते हैं जैसे हर वैकेंसी में होता है, लेकिन राजस्थान के ही पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी जाएगी, बाकी लोगों को यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। जनरल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप राजस्थान से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है उसकी जानकारी यहाँ पर स्टेप वाइज यहाँ पर बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको किस तरह से अपना जो एप्लीकेशन है वो फिल करना है यहाँ पर बताया गया दोस्तों। परीक्षा का स्कीम क्या क्या होने वाला है, किस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सामान्य हिंदी, राजस्थान से रिलेटेड, इतिहास, संस्कृति, सस्य विज्ञान, अध्ययन की, पशुपालन, कुल योग 100 नंबर के होंगे और कुल अंक होंगे दोस्तों 300 अंक के, और जो घंटा होगा यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। गलत मार्किंग भी यहाँ पर 0.25 आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए जाएंगे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे किस तरह से आएंगे, उसके अलावा आपको लास्ट जो सबको इम्पोर्टेंट है, यदि आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर दिया गया 01412722520। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप इन नंबर पर आप यहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्तों। ये वैकेंसीज है राजस्थान की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आपको कब से कब अप्लाई करना है, यानी कि 15 जुलाई से लेके 13 अगस्त 2023 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसी जो कि राजस्थान की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे आपको
इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको रीड कर सकते हैं। आज के टाइम जय हिंद।